हे गाइस, मेरा नाम बैरा राजपूत और आप देख रहे हैं बैटल बॉय। आज मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। आपको वीडियो के टाइटल से पता ही लग गया होगा, अ डे इन माइनक्राफ्ट, मतलब कि एक दिन माइनक्राफ्ट में मेरा कैसा बीतता है, क्या क्या मैं करता हूँ, क्या क्या मेरे को रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी आज दिखाऊंगा मैं आपको। ये फर्स्ट डे नहीं है माइनक्राफ्ट में, ये करीब मेरे प्लेयर का 200th डे होगा। मैंने घर भी बना चुका हूँ, बहुत इम्प्रूवमेंट्स कर चुका हूँ, बट मैंने वो YouTube पे अपलोड नहीं की। अगर आपको YouTube पे अपलोड देखना है वो, तो मैं एक नया वर्ल्ड बना के शुरुआत से शुरू कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको अपना घर दिखा दूँ। चेयर्स मेरी जितनी भी यहाँ पे आपको नहीं दिख रही वो सारी हिडन है, मैंने उन्हें पिस्टन से हाइड किया हुआ है। अगर आपने माइनक्राफ्ट के लिए तो आपको बहुत अनोइंग है। अब हो गया, पहले तो मैं आपको अपना घर दिखा दूँ। ये बाहर से है ऐसा, ठीक है, ये डिस्पेंसर्स हैं, ये पता है वो किस लिए है, ये एरोज़ के लिए है। एरोज़ कोई भी मतलब ऐसे ही खाली पड़े हुए थे, इसलिए मुझे लगा कि यूज़ करना चाहिए। ये विलेजेस ऊपर आ जाते थे, इसलिए मैंने ये लॉक सिस्टम बनाया, स्टेयर्स वाला। रात हो गई है, ठीक है, ये अभी मैं आपको रूफ टॉप दिखाऊँगा। बेड है मेरा, ये छोटा सा कमरा, बड़ा है वैसे, हॉल रूम ही है एक तरह का। ये सारी चीज़ें, ये मेरा ट्रेजर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। ये बाकी ब्लॉक्स हैं, ये सब कुछ फर्नेसेस पड़े हुए हैं, क्राफ्टिंग टेबल, बेड, रेडस्टोन, ये और ये सब। ये व्यू यहाँ से मिलता है मेरे को, और ये वॉल सबसे अनोखी क्योंकि इसमें एमेथिस्ट ब्लॉक लगे हुए हैं, मैंने एमेथिस्ट भी किया था। और ये पता नहीं इसका डीप स्लेट है शायद से। और ये बालकनी है इतनी बड़ी, सच्ची में घोड़ा कहाँ गया? हाँ, वो कहीं भी चल जाता है। ये मेरी पीछे का एमरजेंसी एग्जिट बोल सकते हैं, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि अभी दिख नहीं रहा, अब दिखेगा। ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये, और ये बाहर से वॉल तो बहुत अच्छी लग रही है। और इसको, इसका आर्किटेक्चर मुझे बनाने के लिए बहुत मेहनत पड़ी, इस पे वुड्स इतनी सारी, और ये वुड ही है, प्लैंक नहीं है। प्लैंक तो एक वुड से चार बन जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। और ये ग्लास के लिए सैंड इकट्ठी करना, तो सुबह भी होगी वैसे तो। और मैंने आपको बताया नहीं, मैं एक विलेज में रह रहा हूँ, और दो विलेज हैं असल में, मैं उनके बीच में रह रहा हूँ। एक उधर है, ठीक है, वहाँ पे आपको दिख रहा हूँ, वो गिर जाता हूँ, एक उधर है, एक ये इधर है। ये दोनों विलेज हैं, इसमें गोलम्स हैं तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन रहती है, वरना मैं तो मार ही सकता हूँ सबको। तो अभी तो मेरे को और तो कुछ नहीं, बस आपको रूफ टॉप दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं अपना दिन शुरू करूँगा। ये मेरी रूफ टॉप ज़्यादा खास नहीं है, बस मैंने इतनी टॉर्चेस इसलिए लगाई हैं ताकि मैं अगर कहीं घूम जाऊँ, बहुत दूर हूँ, तो दूर से भी घर नज़र आए, ठीक है, वैसे ये। और ये डर्ट इसलिए लगाई है मैंने यहाँ पे, मैं ट्रीज़ उगाता हूँ, जो ऑक सैपलिंग्स रह जाती हैं या बर्ड सैपलिंग रह जाती हैं, तो एमरजेंसी ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, थोड़ी सी माइनिंग कराते हैं। ये हॉर्स का ये वाला बहुत अच्छा लगता है मुझे, जाऊँ कहीं से भी चलो। ये दो माइंस कह सकते हैं आप इन्हें, बहुत लंबी लंबी हैं यार, ये पूरी एक अर्थक्वेक आया है शायद से यहाँ पर, इतना ज़्यादा ख़तरनाक। और ये भी जगह है, ये भी लावा है, यहाँ से आयरन, यहीं से मैंने सारा आयरन वैसे तो माइन किया, जो भी आपको दिख रहा होगा मेरी इन्वेंट्री में भी, बाकी सारी जगह। एक माइन मिल गई यार, इसे यहाँ बांध देते हैं, हम नीचे चलते हैं। कोल की बहुत ज़रूरत पड़ती है भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि टॉर्चेस बनाने में तो पड़ती ही पड़ती है, और बाकी चीज़ों में पड़ती है, जैसे किसी को भी मेल्ट करना, किसी भी इंगट को, तो कोल माइन करना बहुत ज़रूरी है, और एक्सपी भी बढ़ जाती है। तो वैसे अब मैं नीचे जाने वाला हूँ, इस केव नहीं कहते, पता नहीं इसको क्या कहें हम। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक माइन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि
हमें मिल सकते हैं, बहुत रेयर रेयर मेटल्स। चलो घर चलते हैं, आज के लिए इतनी माइनिंग है। तो ऐसे ही होता है, एक नॉर्मल डे कभी कभार माइन करने में पूरा दिन बीत जाता है, कभी कभार वुड कटिंग में भी दिन बीत। अगर विलेज भी थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये मेरा विलेज है, ये ऐसे यहाँ पर गोले में। हेलो कैसे है भाई? ठीक। और ये तो है, ये ट्यूबवेल है, यहाँ पर लामा खड़ी है, ट्रेडर दिख रहा है। अच्छा वो इन्विजिबल पोर्शन भी लेता है, पता नहीं ऐसे कुछ गायब हो जाता है। और कुछ लास्ट चीज़ें रह गई हैं जो कि अभी गेम में मुझे लगानी चाहिए, और वो है फैंस। इसमें यह है स्टेयर्स के आसपास फैंस लगानी चाहिए, क्योंकि तुम सोच रहे हो इसके पास आसपास कौन सा ब्लॉक लगाऊँ जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगे। और मेरे को ये भी नहीं लगानी चाहिए, पता है ना, वुडन फेंस नहीं, मेरे को कॉबल स्टोन की फेंस लगानी चाहिए। कॉबल स्टोन, हाँ कॉबल स्टोन वॉल कहेंगे इसको हम। ये जितनी है 30 बन गई हैं, ठीक है इन्हीं से बना देते हैं ना, इतनी सारी तो इतनी सी यूज़ भी होंगी। हाँ कितना तो अच्छा लग रहा है। ओ गाइस अब कंप्लीट हो चुका है सारा, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे को ट्रीज उगाने होते हैं, सैपलिंग्स कलेक्ट करके तो उसे भूख लगती है, प्लेट को खा लेते हैं कुछ, ठीक है। ये जो है ना, ये इसको मैं एक गेट वे बना सकता हूँ, एक बहुत कपड़ा से इसमें, मगर करूँगा क्या, हॉर्स रख सकता हूँ यार, मगर हॉर्स अंदर क्यों रखूँगा मैं, ना 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 हॉर्स अंदर नहीं रख सकता मैं इसकी, मैं देखूँगा कि इसका क्या। फिर मैंने सोच लिया उसका क्या करूँगा, उस जगह में माइन बनाऊँगा, बट अगर प्लान्स मेरा माइंड चेंज हुआ तो मैं और कुछ और भी बना सकता हूँ उस जगह, ठीक है। ये बन गया कोल, मैंने बहुत ज़्यादा माइन किया था। यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, और कौन कौन सा कोई डेकोरेटिव ब्लॉक, ग्लास लगा देते हैं, एक ही है, शाबाश। ना 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 ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ब्लैक होल ना, कैलकाइट ठीक है, स्मूथ पैसल, कैल्शाइट, कैलकाइट नहीं, ये ठीक है। क्या ये चाइजल्ड स्टोन ब्रिक्स, दो ही हैं और ये, और मेरे को दो ही चाहिए, ठीक है ये लगाते हैं। इनको टेंपल से मिली थी यार, फॉरेस्ट टेंपल होता है, ठीक है। अब ये एडजॉइन हो चुका है, मैं स्टेयर केस भी हाइड कर देता हूँ। एक बार ऊपर से व्यू दिखाते हैं अपने घर का, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। यहाँ पर मैं
बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, बट अभी मेरा कोई प्लान नहीं है यहाँ पे कुछ बनाने का। पहले तो ऑक सैपलिंग, अगर मैं इन सबको एक साथ कर दूं ना उगेंगे नहीं, 4 ब्लॉक्स की जगह चाहिए होती है। गाइस मैं दूर आ चुका हूँ, घर से बाहर निकल चुका हूँ, बाय बाय टाटा बाय बाय। तो अब मेरा मिशन है, अब मुझे डायमंड्स ढूंढना ही है, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोर क्यों नहीं करते इसके। मेरे पास टॉर्चेस है ना, शुक्र है, थोड़ी सी ये बड़ी लग रही है माइन बिल्कुल, क्योंकि इसमें 3 4 रास्ते हैं, तो हम टॉर्च को लेकर चलते हैं। पता है RTX में एक वो है कौन, कि जब आप टॉर्च को इसमें लेफ्ट हैंड में लेके चलते हो तब ज़्यादा लाइट एमिट नहीं करती है, बट RTX ऑन हो तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे टॉर्च जल रही है आपके लेफ्ट हैंड में। बट कोई बात नहीं, हम लगा देंगे यहाँ पर टॉर्च। टॉर्च लग जा, लग गई, वहीं आ गए ना घूम के। हाँ मेरे ख्याल से ना एक बहुत छोटी माइन जो कि एक ही तरफ जाती है बस ना। आयरन मिल गया, पानी की आवाज़ तो आ रही है वैसे, कॉपर भी है बट कॉपर किसको चाहिए ना, छोटी माइन नहीं है। ठीक है, ओ मुझे लगा यहाँ पे वो रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन ये क्या है, ओ ओ माय गॉड क्या ग्लिच है यार। एक मिनट, मैं आगे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, मेरे को सब दिख रहा है यार क्लियरली एकदम। ओह माय गॉड, इसका तो स्क्रीनशॉट खींचना पड़ेगा, ये मेरे साथ ग्लिच है, बट ये ग्लिच ऑसम है यार, बहुत ज़्यादा ऑसम है। तो मुझे सब दिख रहा है कहाँ कहाँ क्या है, ये क्या है नीचे, कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे कुछ चमक रहा है, पता नहीं क्या, बट वो कोई जगह है यार। यार बहुत ऑसम है ये चीज़ बहुत, अगर मैं ऐसे आगे चलता रहूँ। ओह नो, खत्म खत्म हो गया। ओ यार, बट मेरे को देख गया था कहाँ कहाँ क्या है, और स्क्रीनशॉट तो खींच लिया था मैंने। सिटी सी बनी हुई थी नीचे, मुझे तो ये दिखा, और वो चमकता हुआ पता नहीं क्या था। ओ पहली बार मेरे साथ ऐसा ग्लिच हुआ है सच्ची में। आयरन बहुत है यहाँ पर यार, ये क्या है, ओ वो नीचे था ना, थोड़ा सा नीचे था वो, तो मुझे भी थोड़ा सा नीचे ही जाना पड़ेगा केव में, केव कह रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे था। गाइस मैं एक केव में गिर गया हूँ, पर यहाँ पर एक क्रीपर है, शिट। ओके, यही वाटर फ्लो की आवाज़ आ रही थी इतनी देर से। ठीक है, केव में गिरा हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्रीपर से पहली मुलाकात हुई मेरे यहाँ पर स्टोर। और गाइस मैं पहुँच चुका हूँ घर, और आज का दिन बहुत ज़्यादा अलग रहा मेरे लिए तो, क्योंकि जितने दिन मैं माइनक्राफ्ट में रहा हूँ ऐसा दिन नहीं था मेरा, क्योंकि मुझे कितना आयरन मिला आप देख सकते हैं, 46 आयरन, और बहुत है ये। हे गाइस, आपने आज माइनक्राफ्ट में जो भी देखा वो मेरा डे टू डे लाइफ तो थी, बट इसमें कुछ कुछ पार्ट्स अलग भी थे जो कि मेरे साथ कभी नहीं है माइनक्राफ्ट में। पहली बात वो ग्लिच, और दूसरी बात एक साथ इतना आयरन मिलना कभी नहीं हुआ, ये सारा मैंने कलेक्ट किया अलग अलग जगह से। यही था बस,
यही मेरे डे टू डे लाइफ। अगर आपको इसका एपिसोड 2 देखना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और अगर इस पे पूरी सीरीज़ चाहते हैं तो इसका एम है 15 लाइक्स। अगर इस वीडियो पे 15 लाइक्स आते हैं तो मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा शुरुआत से, और आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं हूँ बैराजपूत और आप देख रहे थे डे इन अ माइनक्राफ्ट।